हेलो गाइस, तो कैसे हो सब लोग। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग टॉप 10 बेस्ट वुकोंग कैरेक्टर टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लो। हम लोग गाइस ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो लाते रहते हैं। और गाइस इस वीडियो का लाइक एम दे रहे हैं गाइस 38K लाइक। उम्मीद है आप लोग 38,000 लाइक एम कंप्लीट कर दोगे। और गाइस इस वीडियो को ज़रूर से हर एक दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स होने वाला है। और मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आप वुकोंग यूज़ करना सीख जाओगे और गाइस बिना आलो के बोया करना सीख जाओगे गाइस। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो। और यहाँ पे देखो 74% लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते बट रेगुलर देखते हैं यार। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, मैं 1 मिलियन के बाद डीजे आलोक गिव अवे करूँगा। ओके, अब तो कर लो सब्सक्राइब। तो अभी बढ़ते हैं गाइस एक नंबर के टिप्स की ओर। सो हमारा जो एक नंबर टिप्स है वो ये है, मान लो आप किसी पेड़ के पीछे या फिर किसी खुले जगह पे फंस जाते हो और आपके पास ज़्यादा ग्लूवल भी नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या होता है, एनिमी जो है कवर पे रहता है और आपको आराम से डैमेज देता है और आप जो है एनिमी को डैमेज नहीं दे पाते। जैसे इस सिचुएशन पे देखो, एनिमी टावर पे है और मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे एनिमी मेरे को मार सकता है आसानी से। ठीक है, तो और मेरे पास ज़्यादा ग्लूवल भी नहीं है, तो इस सिचुएशन पे मैं जो है वुकोंग का यूज़ करूँगा और इधर से आराम से निकल जाऊँगा। वुकोंग पे गाइस डिफॉल्ट काम नहीं करता, तो एनिमी कितना भी चाहे एम कर ले मेरे वुकोंग के ऊपर जो है एम नहीं आएगा गाइस। ठीक है, और मैं जो है एक परमानेंट कवर पे चला जाऊंगा गाइस। ठीक है, तो अगर आप किसी खुले जगह पे फंस जाते हो तो अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं रहता तो उस टाइम पे आप जो है वुकोंग का यूज करके कुछ इस तरह से जो है परमानेंट कवर पे आ सकते हो गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं गाइस सेकंड टिप्स की ओर। तो हमारा जो सेकंड टिप्स है वो ये है, मान लो मैं किसी एनिमी को डैमेज देने की कोशिश कर रहा हूं और उस एनिमी ने मेरे को ज्यादा डैमेज दे दिया गाइस। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे मैं जो है गाइस थोड़ा पीछे आके वुकोंग बन जाऊंगा गाइस। ठीक है, और वुकोंग के अंदर मैं हील कर लूंगा आराम से, तो एनिमी जो है मेरे को डैमेज देने के बाद जैसे आप लोगों को पता है रस कर देता है एनिमी, तो उस सिचुएशन पे आप किसी खुले जगह पे जाके जो है वुकोंग बन के मेडिकेट कर सकते हो गाइस। ठीक है, दो मेडिकेट आप आराम से मार लोगे वुकोंग के अंदर और एनिमी जो है आपको ढूंढता रह जाएगा गाइस। ठीक है, और आराम से आप जो है मेडिकेट करके आप उसको मार सकते हो आसानी से गाइस। ठीक है, तो गाइस अभी बढ़ते हैं हमारा थर्ड टिप्स की ओर। तो हमारा जो थर्ड टिप्स है वो है गाइस, आप काफी टाइम पे जो है जोन के अंदर फंस जाते हो और आपको मतलब पानी क्रॉस करना रहता है गाइस, और पानी के उस पर एनिमी भी है, तो इस सिचुएशन पे मैं अगर पानी के ऊपर जंप करके जाने की कोशिश करूंगा उस साइड पे, तो एनिमी जो है मेरे को आसानी से मार देगा और मेरे साइड पे जोन भी आ रहे होंगे, तो मेरे को पानी के उस पर जाना ही होगा गाइस। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं है तो इस सिचुएशन पे जो है आप वुकोंग का यूज़ करके पानी के अंदर से जा सकते हो गाइस। ठीक है, और एनिमी चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे ले आपका वुकोंग का एबिलिटी को फोड़ने का, बट वो देख ही नहीं पाएगा क्योंकि वुकोंग का जो एबिलिटी है पानी के अंदर एकदम मतलब चला जाएगा गाइस। ठीक है, और पानी के अंदर रेड डॉट नहीं आएगा गाइस। ठीक है, और आप आसानी से जो है रिवर क्रॉस कर सकते हो और एनिमी के पीछे से जाके मार सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये बहुत ही ओपी टिप्स है गाइस। ठीक है, जरूर से यूज करना इस टिप्स को। और आप लोगों को लगता है कि आलोक कैरेक्टर बेस्ट है, बट गाइस आलोक कैरेक्टर बेस्ट नहीं है, वुकोंग कैरेक्टर आई थिंक बेस्ट है गाइस। ठीक है, मेरे ख्याल से। तो देखो यहाँ पे कितनी आसानी से जो है मैं पानी क्रॉस कर लिया गाइस। ठीक है, तो ये बढ़ते गाइस हमारा फोर्थ टिप्स की ओर। तो हमारा जो चार नंबर टिप्स है वो ये है गाइस, आप शॉर्ट गन यूज़ करते हो काफ़ी टाइम पे, तो शॉर्ट गन का जो रीलोड आता है गाइस, दो गोली मारने के बाद रीलोड आता है, तो उस टाइम पे जो है आप वुकोंग बन सकते हो गाइस कुछ इस तरह से। ठीक है, मेरा नेट हाई चल रहा है इसीलिए जो है मैं थोड़ा लेट बना, बट गाइस मैं सही टाइम पे बना था गाइस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितनी आसानी से मैंने मार दिया। तो जब भी आपका शॉर्ट गन रीलोड दे उस टाइम पे जो है आपको वुकोंग बन जाना है। ये एक शॉट मारा मैंने, ये देखो सेकंड शॉट मारा, उसके बाद मेरा रीलोड आ गया, तो मैंने यहाँ पे वुकोंग बन के जो है हील भी कर लिया गाइस। ठीक है, तो देखो आसानी से जो है आप यहाँ पे वुकोंग बन के मेडिकेट भी कर सकते हो और उसके अलावा जो है आपका जब शॉटगन रिलोड देगा उस टाइम पे आप वुकोंग बन के रिलोड भी कर सकते हो गाइस। ठीक है, मतलब आपको कोई भी नहीं मार सकता और आपको ग्लू वॉल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा गाइस। ठीक है, इस सिचुएशन पे जैसे देखो मैं यहाँ पे दो शॉट मार रहा हूँ उसके बाद मैं वुकोंग बन रहा हूँ क्योंकि मेरा रिलोड आ रहा है। ठीक है, और वो एनिमी मेरा वुकोंग को फोड़ेगा उसके बाद तब तक मेरा गन रिलोड हो जाएगा, मैं उसको आसानी से मार सकता हूँ गाइस। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, यूज जरूर करना। तो ये बढ़ते गाइस फिफ्थ टिप्स की ओर। तो हमारा जो पांच नंबर टिप्स है वो ये है गाइस, धोखा देके आप कैसे मार सकते हो एनिमी को। वुकोंग के मदद से आप जो है एनिमी को धोखा देके मार सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है एनिमी रश कर देता है जब भी आपको डैमेज पड़ता है गाइस। ठीक है, और वो सोचता है कि उसी ग्लूवल के पीछे आप रहोगे, तो उसके बाद वो एनिमी आके जो है वो ग्लूवल के पीछे फायर करता है, मतलब हवा में फायर करता है। तो आप जो है क्या करना है, जैसे ही डैमेज खाओगे आपको थोड़ा पीछे आके वुकोंग बन जाना गाइस। ठीक है, और आप मेडिकेट भी कर सकते हो उस सिचुएशन पे। उसके बाद वो एनिमी जैसे ही हवा में फायर करे उसके बाद आपको तुरंत जो है वुकोंग का एबिलिटी हटा के तुरंत फायर करना है और वो एनिमी खत्म गाइस। ठीक है, मतलब धोखा देना हुआ एक तरह से गाइस। ठीक है, तो बताते हैं गाइस हमारा छह नंबर के टिप्स की ओर। तो छह नंबर का जो टिप्स है
काफ़ी बंदे जो है गाइज बैक कर लेते हैं कलाड़ी वगैरह आता है तो आप जो है लॉबी के अंदर ही चेक कर सकते हो कि कलाड़ी आने वाला है या फिर बरमूडा या परगेट्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो गाइज येलो कलर का ग्रास बन गया यानी कि घास बन गया, तो येलो कलर का घास अगर बन जाता है तो गाइज आपको समझ लेना है कि यहाँ पे कलाड़ी मैप आने वाला गाइज, ठीक है। और यहाँ पे अगर ग्रीन कलर का घास बनता है तो गाइज आपको समझ लेना है बरमूडा या फिर परगेट्री आने वाला है। वैसे बहुत सारे बंदे बैक कर लेते हैं कलाड़ी वगैरह आता है तो, बट बहुत अच्छा मैप है वो स्क्वाड के लिए गाइज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप बैक भी कर सकते हो लॉबी के अंदर से ही, आपको गेम के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप वुकोंग यूज़ करोगे तो गाइज, ठीक है। और देखो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आप लोग को पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं वुकोंग का यूज़ करने का गाइज, ठीक है। तो भी बढ़ते गाइज हमारा 7 नंबर का टिप्स। तो हमारा जो 7 नंबर टिप्स है वो ये है, आप काफ़ी टाइम पे जो है लेट उतरते हो, आपको किसी काम देखना पड़ता है तो उस टाइम पे जो है आप लेट हो जाते हो उतरते, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हो गया, कितने सारे बंदा इस घर पे उतरे हैं आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। और मेरे को गन नहीं मिलता गाइस, उतरने के साथ साथ गन नहीं मिलता, तो उस सिचुएशन पर जो है आप वुकोंग का एबिलिटी यूज़ करके जो है इधर से निकल सकते हो और एक सेफ जगह पर जा सकते हो गाइस, ठीक है। जैसे इन लोगों को देखो अच्छे अच्छे गन मिल गया है, तो मैं यहाँ पे वुकोंग का एबिलिटी यूज़ करूँगा और मैं आराम से जो है दूर निकल जाऊँगा गाइस इन लोगों से, ठीक है। और ये लोग गाइस फाइट करेंगे आपस में, इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं किधर से निकल गया गाइस, ठीक है। और देखो उतना ध्यान नहीं देगा अगर इतने बंदे उतरेंगे, देखो मैं आराम से जो है एक परमानेंट कवर के पीछे आ गया और एक लूटदार घर के पीछे आ गया गाइस, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं अभी आराम से लूट करूंगा, उसके बाद मैं फाइट करने जाऊंगा गाइस, ठीक है। तो काफी टाइम पे ऐसा होता है आप लेट उतरते हो तो उस टाइम पे जो है आप वुकोंग का एबिलिटी यूज करके जो है उधर से भाग सकते हो गाइस, ठीक है। सो भी बढ़ते हैं गाइस हमारा 8 नंबर की टिप्स की ओर। तो हमारा जो 8 नंबर का टिप्स है वो भी बहुत ही अच्छा टिप्स है गाइस, ठीक है। मान लो आपका एनिमी किसी ऐसे जगह पे डाउन हो जाता है जहाँ पे गाइस आप बचा नहीं सकते, जैसे इस घर के छत पे डाउन हो गया, तो मैं अगर यहाँ पे बैठ बैठ के बचाता तो जहाँ पे वहाँ पे ऊपर बंदा है तो वो मेरे को स्कोप ऑन करके हेड मार देता गाइस, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे मैं वुकोंग बन के इसको बचा लिया गाइस, ठीक है। और इससे क्या होगा गाइस, वो जो सामने वाला बंदा था वो मेरे को स्कोप ऑन करके नहीं मार सकता गाइस, ठीक है। मतलब मैं आसानी से जो है अपने टीममेट को वुकोंग बन के रिवाइव कर सकता हूँ, और किसी खुले जगह पे अगर डाउन हो जाता है आपके टीममेट तो उस सिचुएशन पे भी आपको जो है एक जगह पे स्टील बैठना पड़ता है और आपका हेड पे एम ले सकता है गाइस एनिमी, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे जो है आप वुकोंग बन के आराम से अपने टीममेट को बचा सकते हो गाइस, ठीक है। और उसके अलावा आप मान लो किसी खुले जगह पे जो है आप लूट कर रहे हो गाइस, ठीक है, और आपके पास ग्लूवल नहीं है, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो पे बोला था अगर आपके पास ज़्यादा ग्लूवल होगा तो आप एक ग्लूवल लगा के जो है लूट करना। तो इस सिचुएशन पे अगर आपके पास ज़्यादा ग्लूवल नहीं है तो आप इस सिचुएशन पे जो है वुकोंग को यूज़ करके जो है आप लूट कर सकते हो, अगर कोई दूर से देखेगा भी तो उसको लगेगा कि कोई झोपड़ी है गाइस, ठीक है, और आपको जो है नहीं मारेगा, मतलब डिफॉल्ट का एम तो आएगा नहीं आप पे, तो आप जो है आसानी से लूट करके आप एक सेफ जगह पे निकल सकते हो गाइस वुकोंग के मदद से, ठीक है। तो ये टिप्स कैसा लगा जरूर बताना गाइस कमेंट पे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दो। तो भी बढ़ते गाइस हमारा 9 नंबर का टिप्स की ओर। तो हमारा जो 9 नंबर का टिप्स है ये भी बहुत ही ओपी टिप्स है। तो आप जो है टावर के ऊपर सीधा सीधा रश कर देते हो और इससे क्या होता है टावर के गेट पे जो है एनिमी बैठता है और आपको सीधा हेडशॉट पड़ता है। तो अभी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे वुकोंग का एबिलिटी यूज करके रश किया तो सबसे पहले मेरा जो वुकोंग था उसका झोपड़ी फूट गया गाइस, ठीक है, इसके कारण मेरे को मतलब हेडशॉट नहीं लगा। अगर मैं सीधा सीधा भाग के आता तो मेरे को हेडशॉट मार देता ये बंदा, ऊपर से मारेगा तो हेडशॉट ही पड़ता जैसे मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। बट मैं यहाँ पे वुकोंग को मदद से जो है टावर के ऊपर रश किया, इसके कारण जो है मेरे को हेडशॉट नहीं लगा और मैं बच गया गाइस, ठीक है। और इसी तरह से सेम टू सेम तरीका से जो है आप घर के ऊपर भी रश कर सकते हो, घर के गेट के अंदर भी बैठता है बंदे गाइस, ठीक है, काफ़ी टाइम पे, और आपको जो है आप जैसे ही ऊपर आते हो वैसे ही आपको हेडशॉट खाना पड़ता है। तो इस सिचुएशन पे आप वुकोंग यूज़ करके जो है घर के ऊपर आ सकते हो और गाइस क्या होगा आपको मतलब हेडशॉट नहीं खाना पड़ेगा, आपका झोपड़ी जो है सबसे पहले फूटेगा गाइस, ठीक है। और वो जब तक झोपड़ी फूटेगा और वो जब तक फायर करेगा तब तक आप जो है उसको मार सकते हो आसानी से गाइस, कुछ इस तरह से जो है आप झोपड़ी बन के ऊपर आओगे तो वो बंदा जो है आपके झोपड़ी को फोड़ने की कोशिश करेगा, मतलब उसको आपके ऊपर फायर करना भी पड़ेगा और उसका गन पे रीलोड आ जाएगा तो उस टाइम पे जो है आप उसको आराम से मार सकते हो गाइस, ठीक है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारा 10 नंबर का टिप्स की ओर। तो हमारा जो 10 नंबर टिप्स है वो है गाइस, आप काफ़ी टाइम पे जो है रैंक पुशिंग करने के टाइम पे आपके पास ग्लूवल नहीं होता और आप जो है किसी मतलब खुले जगह पे फंस जाते हो गाइस, ठीक है, मतलब जोन के अंदर भी नहीं जा पाते। जैसे यहाँ पे देखो 4 बंदे थे तो मैं यहाँ पे वुकोंग का एबिलिटी यूज़ करूँगा और पीछे जाऊँगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे फंस गया था, अगर मैं वहाँ पे रहता तो 4 बंदे मेरे को ग्लूवल फोड़ते और मैं मर जाता गाइस, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे जो है आप एक परमानेंट कवर पे आ सकते हो वुकोंग के मदद से और ये काफ़ी टाइम पे काम आता है रैंक के मदद से, मतलब जब रैंक पुशिंग करते हो उस टाइम पे भी ये बहुत काम आता है। मान लो आपके पास ग्लूवल नहीं है और आपको मतलब सामने सामने किसी परमानेंट कवर पे जाना है तो उस सिचुएशन पे जो है आप वुकोंग को यूज़ करके ईजिली जो है परमानेंट कवर पे जा सकते हो गाइस, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा टिप्स है ये, यूज़ ज़रूर करना गाइस जब भी आप रैंक पुशिंग कर रहे हो, ठीक है।
तो कैसा लगा टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर बताना। और गाइज देखो यहाँ पे 75% बंदे जो है रेगुलर वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। गाइज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाने, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।